My name is Murad Rai. I'm from Uttar Pradesh. I recently completed my BTech in Computer Science and Engineering at JP University of Engineering and Technology, Pune. After that, I joined QSpiders. My experience is in QSpiders is very good, and the teachers are very helpful. They always help their students if they had any doubt. They are very good. Students have very good chance to build their career here, and they took every weekend mock and presentations so that students can build their confidence to achieve balance. में experience बहुत अच्छा है. यहाँ पे teachers बहुत ज़्यादा friendly हैं और यहाँ पे मतलब culture और पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा है. यहाँ पे बहुत सारे labs हैं जहाँ पे आप free time में जाके इजीली जाके बैठ के पढ़ सकते हैं. और अगर आपको थोड़ा सा भी doubt हो तो आप free time में अगर teachers free होते तो आप उनके पास जाके पूछोगे तो वो easily बता देते हैं. आपका doubt easily clear हो जाता है. अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ टीचिंग की तो यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है. यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. पर्टिकुलरली हम बात करें अगर संगू सर का तो उनको 14 से 15 साल का जावा में एक्सपीरियंस है और उनको पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है. वो हमेशा रियल टाइम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना हो तो. और जो बाकी टीचर्स वो भी उनको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. वो मतलब जानते हैं कि मतलब मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बच्चों को क्या कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, तो वो मतलब उस वे से पढ़ाते हैं कि अगर मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट जो भी हो क्लास में सॉल्व हो जाए. और अगर कोई डाउट आता भी है तो मतलब वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं. जैसे मैं यहाँ पे आया क्यूसाइडर में तो मैंने यहाँ पे जावा स्टैक डेवलपमेंट किया. तो स्टार्टिंग मुझे ये कोर्स तो चैलेंजिंग लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मतलब जैसे पहले बता रखा है कि समो सर बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको 14-15 साल का जावा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. जैसे मैंने उनकी क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल होती गई, क्योंकि समो सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही मतलब अच्छा है. वो मतलब हर टॉपिक्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं और ऐसा मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं बच्चों को ईजिली समझ में आ पाए. तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब चैलेंजिंग वाला फेज खत्म हो गया मेरा और मुझे बहुत अच्छे से आ गया.